आम की खट्टी मीठी चटनी। आम की खट्टी मीठी चटनी बनाने के लिए हमने लिए हैं 2 बड़े साइज़ के आम, जिसे हमने कद्दूकस करके रख लिया है। 6 बड़े चम्मच चीनी, आधी चम्मच नमक, पुदीना के कुछ पत्ते, घी 1 चम्मच, आप चाहे तो रिफाइंड भी ले सकते हैं, लाल मिर्च पाउडर 1/2 चम्मच, हल्दी 1/2 चम्मच। सबसे पहले हम कढ़ाई को गर्म करेंगे, इसमें हम घी डालेंगे। घी गर्म हो जाए तब हम इसमें आम डालेंगे। अब हम नमक डालेंगे। चीनी डालेंगे, हल्दी डाल देंगे और लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। अब हम इसे अच्छी तरह से घुमा के चलाएंगे ताकि मसाले आपस में मिक्स हो जाए। अब हम इसे बिल्कुल धीमी आंच पर ढक के रख देंगे 10 मिनट के लिए। बिल्कुल धीमी आंच पर रखने के बाद देखिए इस प्रकार आम अपने आप पानी छोड़ देगा। इसमें हमने पानी नहीं डाला है, ये आम का अपना पानी है, हमें धीमी आंच पे ही इसको गलाना है। इस प्रकार गल जाए तो हम अब पुदीना के पत्ते डालेंगे, इससे फ्लेवर काफ़ी बढ़िया आ जाता है। और फिर हम ढक देंगे। ये देखिए पुदीना के पत्ते भी गल चुके हैं और हमारा आम की चटनी भी अच्छी तरह से गल गई है। बीच बीच में हम इसी प्रकार चलाते रहेंगे ताकि आम की चटनी जले नहीं। अभी चटनी गाढ़ी हो चुकी है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। लीजिए ये हमारे चटनी तैयार है।